Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट, मैं विमला सिंह शिवम कॉन्वेंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी बुक आकृति हिंदी व्याकरण में पार्ट दो का अध्ययन करेंगे। हिंदी बुक हिंदी आकृति व्याकरण पार्ट दो वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में द अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुँह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ रखती हैं और दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। देखिए बच्चों, हमारा जो अक्षर होता है व्यंजन या वर्णमाला या वर्ड, तो दो अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे बा प्लस आ बा, ता प्लस आ ता, खा प्लस आ खा, बतख शब्द की ध्वनि है। गमला गा प्लस आ, मा प्लस आ, ला प्लस आ, गमला शब्द की ध्वनि है। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिए जाने वाले रूप वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के प्रकार स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण सरलता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इन स्वरों की संख्या 11 है। बच्चों, ये जो हमारी मात्राएं होती हैं इनको हम स्वर बोलते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं जो इस प्रकार है। बच्चों, ये हमारा जो का खा गा ये होता है, ये हमारे व्यंजन हैं। निश्चित और सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।